उस तन की कौन बड़ाई करे जिस तन से हुआ शुभ काज नहीं, वो नारी निंदा के योग्य सदा जिसके नैनों में लाज नहीं। उस देश को नरक समान समझ जिस देश में राज स्वराज नहीं। उस गांव की शोभा भी है फीकी जिस गांव में आर्य समाज नहीं। जिस गांव में आर्य समाज नहीं। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। एक घर में अंधेरा तकदीर की हाल चल है
आदर और सम्मान के योग्य है बहुत ही भारतवर्ष के उस कोटि के विद्वान पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और भारतवर्ष के उस कोटि के युवा भजन उपदेशक हमारे शास्त्री मोहित जी आ रही है, गुरुवर पंडित राम निवास जी आ रही है, सभी आर्य समाजों से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे उत्कल से आई हुई हमारी छोटी छोटी बच्चियां मान और पूजा के योग्य पवित्र माता और बहनों, देश की भावी आशाएं प्यारे प्यारे बच्चों, सजनों, आपके ऐतिहासिक और आर्य पवित्र नगर में ये दूसरे दिन की दूसरी बैठक अभी शुरू की जा रही है, क्योंकि मैं 12-13 साल पहले इस गांव के अंदर आया था। मजबूरी के अंदर तो बुला लेते हैं, लेकिन जब बगैर बुलाया उनका एक को सुनाया तो ऐसी कोई बात नहीं, व्यवस्था है कि क्योंकि एक उपदेशक ना आना था उस टाइम, नहीं आए तो अचानक मनाना बुलाए थे, तो बढ़िया आए कि आदर होता है, इस बात की कोई बात नहीं, वे समय क्यों नहीं देते। क्योंकि मैंने भी 27-28 साल आर्य समाज का प्रचार किया है, अभी कर रहा हूँ, और उस समय देखा सुनो कि मैं एक खोए पर ढोलक बाजा एक पे ये बैग और 5-5 कोस तक हमने घूम करके पैदल आर्य समाज का प्रचार किया है। लेकिन मैं आपके बीच में ये गीत रखा मैंने कि भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है, एक घर में अंधेरा है एक घर में दिवाली है, और एक गीत और मैं आपके बीच में रख रहा हूं, अगर आज्ञा हो तो भले। अच्छा तो भजन में आपके बीच में ऐसा रखूंगा कि किसी ने सुना होगा, नया गीत होगा, पंडित जगदीश जी उन्होंने लिखा है, बिल्कुल देहाती शब्द होंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगी।
बहुत सुंदर लिखा कवि ने, क्या कहा, लोग सुन सुन लागे ठेस देश का, एक एक बात समझ में आएगी और ध्यान से इस बात को सुनना आपने, वो सुन सुन लागे ठेस देश का, लोगो ढंग पुराना बदल गया, पुर नर नारी के ख्याल पलट गए, किसा जमाना बदल गया, सुन सुन लागे ठेस देश का, ढंग पुराना बदल गया, नर नारी के ख्याल पलट गए, किसा जमाना बदल गया, देश में बर्बादी होती दिखे, नीति गई कुनीति आगी, जनता दुख रोती दिखे, गई सच्चाई उठ उठ नए नए झगड़े धोती दिखे, सुधी गई सफाई आगी, सबका मन होती दिखे, सुधी गई सफाई आई, सबका मन मोती दिखे, दया जगे कोती दिखे, दया जगे कोती दिखे, रहा जुलम ठिकाना बदल गया, नारी के ख्याल पलट गए, सा जमाना बदल गया, ओ सुन सुन लागे ठेस देश का, ढंग पुराना बदल गया, देश में बर्बादी होती दिखे, नीति गई कुनीति आई, जनता दुख रोती दिखे, कई सच्चाई ऊठ झूठ नए नए झगड़े रोती दिखे, और शुद्धि गई सफाई आगे, सबका मन मोती दिखे, और दया जगह टोती दिखे, रहा जुलम ठिकाना बदल गया, तो वो अपने हक के ऊपर लड़ाई जो करते हैं ना, आज उनकी भी सुनाई नहीं करते। दिल्ली के अंदर क्या हालत हो रही है हमारे किसान भाइयों की, आप जाकर के देखो कि हर रोज हमारे आपस में भाई लड़ा रहे हैं लोगों, हजारों को हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो घायल हो चुके हैं, क्यों, आपस की लड़ाई के अंदर राजनीति वाले अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना हक चाहते हैं किसान, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हो रही, लोगों आजादी चाहते थे लेकिन आजादी की जगह बर्बादी हो रही, लोगों आजादी के लिए काम किया, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने नौजवानों ने अपना गर्म गर्म खून दिया, और जब जाकर के आजादी मिली है, आदरणीय हमारे राजकुमार जी आर्य जी, अच्छा भाई 200 रुपए पुरस्कार रूप में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ केविन के अनुधर में वृद्धि बनी रहे, इस प्रकार धर्म के कामों में दान देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भाई दान दिए थे धन मिले तब किए मिले राज, और बिना करा नहीं गए जैसे चिड़िया झप्पी बाद, बढ़िया काम में दान भी जरूर देना चाहिए। मैं आपके बीच में बता रहा था और क्या लिखा दूसरी कली,
क्योंकि पीछे का दाव पड़ रही है। मैं सीधा गीत से सुना रहे हो तो आगे बढ़ने में दे अगले साल लोगों की जगह डाल राया गया दूध पचाए सवार हुई लस्सी दही खत्म शरबत कैंपा कोला तैयार हुई हलवे खीर मिठाई पे अंडे बिस्कुट की मारे हुई हर मेवा की जगह नस्ल मुर्गी मछली की प्यार हुई हर मेवा की जगह नस्ल मुर्गी मछली की प्यार श्राद्ध पीठ मजधार हुई श्राद्ध पीठ मजधार हुई मारा सादा काना बदली गया भाई हमारे बीच में आरणी भाई अनुराग जी आ रही है कौन सा चैनल है आ रही है और वैदिक दर्पण चैनल है इनका ये हमारे आर्य नगर के जो आचार्य जी राम स्वरूप जी उनके पोते हैं और ये चैनल बना रहे हैं तो आप जिसका भी सुनना चाहे इनको नंबर दे देना बहुत बढ़िया बढ़िया भजन इनके पास में मिलेंगे तो धन्यवाद दीजिए घी की जगह डाल लगा गया दूध पे चाहे सवार हुई ये देश था हमारा देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना लेकिन आज खाना छूट गया लोगों शराब पी रहे हैं अंडे मांस खा रहे हैं ये हमारे देश का खाना नहीं था और तीसरी कली बहुत सुंदर लिखी पंडित जी ने लोगों देसी वस्तु सस्पेंड कर दी आण विदेशी माला खदर का दिया खराटा सर हैरानी के साला पैंट वटाई डाढ़ी मूछ कचाली छोटी इन अंग्रेजी बाला डाढ़ी मूछ कचाली छोटी इन अंग्रेजी और आप श्रोता आगे बैठे हैं ना तो बड़ा आनंद आता है क्योंकि हमने पांच पांच छह छह घंटे गांव के अंदर कार्यक्रम किया है कर रहे हैं अभी
तो हमारे आर्य जी और भी आए हैं हौसला बढ़ाई के लिए। अच्छा आदरणीय नंदराम जी सांगवान साहब, महावीर आर्य जी, ये भी 100 रुपये दे रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भी बहुत बढ़िया इनका स्वस्थ रहे। तो आगामी कार्यक्रम बहुत सुंदर आपके बीच में आ रहा है, धन्यवाद। इति ओम सम, सबको नमस्ते। मैं थोड़ा गीत गाए रहेगी, रात न सुनाऊंगा, बहुत नया गीत गा रहे थोड़ा कर भी, लेकिन समय मिलेगा तो कौन ही समय को महेंद्र सिंह जी आर्य जी ने हमारे बीच में बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए, इसके लिए आर्य समाज बाल सभा जाता है दिल से धन्यवाद करता है। और इनकी एक शिकायत थी कि समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ हम एक इसके लिए आपसे समा चाहते हैं। हमारा दिन के अंदर हमारे पास में समय का अभाव रहता है, आपकी ये कमी रात को पूरी कर दी जाएगी, तो इसके लिए आश्वस्त रहे, आपको रात को अच्छा टाइम दिया जाएगा। अब मैं
समाज का उत्सव 3 दिन का बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भी हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए। अभी आओ बिचारे बैठ करके ये समस्याएं सभी। तो मैंने शुरुआत की एक गीत सुनाया, भजन सुनाया आपके बीच में कि इंसान ये मानव का चोला बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे पाकर के इस परमपिता परमात्मा का तो धन्यवाद कर। लेकिन आज का इंसान धन्यवाद परमात्मा का नहीं करता, क्योंकि आज इंसान कोई एक लोटा पानी का पिला देता है प्यासे को,
तो उसको कहते हैं भाई साहब बड़ा धन्यवाद, मुझे प्यास लगी हुई थी, लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने जिसने मानव का चोला दिया है, हमने उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया। तो एक गीत का समय हो रहा है मेरे पास में, क्योंकि आज इस देश में नकली पन ज्यादा हो गया भाई, और क्या क्या चीज नकली है। पंडित चंद्रभान जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, मेरे याद आया, हो नकली हो गए और सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ देखे जा सामान नकली हो गए, सच पूछो तो काम नहीं। वो धोती और ये बरखा छोटा पेंट बिना आराम नहीं, फिजूल खर्ची करे बाप के रहा गात पहचान नहीं, फिजूल खर्ची करे बाप के रहा गात पहचान नहीं। पढ़े नौकरी खातिर फिर भगवान
परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इनकी उम्र 200 साल की हो भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे बुजुर्ग तो रहे नहीं भाई। आदरणीय हमारे भाई राजपाल जी भी 100 रुपये दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 2 गीतों का मेरे को समय दिया गया था। आगामी कार्यक्रम आपके बीच में बहुत सुंदर आएगा। आदरणीय भाई दीपांशु जी स्टेज संचालक है, जो अपना कार्यक्रम जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद इति ओम सं नमस्ते। आगामी कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम आ रहे हैं।